अस्सलाम वालेकुम, मिस्टर फिन आपके साथ हाजिर है इस नए व्लॉग में। आज मैं जा रहा हूँ चिनारी, और ये देखें मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया, यहाँ से रास्ता भी स्टार्ट हो गया है। रात में रुका था चकार में, वहाँ से सुबह नाश्ता किया है, अब टाइम हो रहा है जाने का। तो चूँकि जो मौसम है वो भी थोड़ा सा अजीब सा डरा रहा है मुझे, बारिश वगैरह लग रहा है, और मेरे पास बाइक है तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि जल्दी से निकलूँ और आगे के व्यूज़ देखूँ क्या चलता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आगे व्यूज़ के साथ साथ। हाँ चला जी नाजरीन, हम अभी रास्ते में जा रहे हैं चकोरी की तरफ, चकोटी की तरफ, चिनारी देन चकोटी। अच्छा, अभी हम चिनारी की तरफ जाएंगे, मुझे रास्ते भूल जाते हैं, अभी नाम भूल जाते हैं, फिर जाएंगे चकोटी। तो ये एक गांव है सामने, बहुत खूबसूरत गांव है, नाम नहीं पता, नाम हमें नहीं पता इस गांव का, और गांव बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत गांव है यहाँ पे, जहाँ उन्होंने फसलें वगैरह काश्त की हैं पहले के अंदर से। बहुत प्यारा है ये, वैसे है झेलम वैली में, इसको बोलते हैं झेलम वैली। हाँ, ये तहसील झेलम वैली के अंदर है, साउथ कश्मीर की तहसील झेलम वैली, उसके अंदर ये गांव है। बहुत प्यारा गांव है, बहुत खूबसूरत, बहुत मज़ा आता है कि ये वैली बहुत प्यारी है, और आज देख ही लिया कि वाकई बहुत ही प्यारी है। हम सुबह से चढ़े हुए हैं बाइक पे, मज़ा आ रहा है यहाँ बाइकिंग में भी, बाइक राइडिंग में भी। ये है कि अगर तीन होते ना, हाँ जी तीन होते तो बहुत तंग होते इस पर। हाँ तो वैसे आज अतीक ने भी आना था, लेकिन वो उसका प्लान कैंसिल हो गया ऑफिस की वजह से, अगर हम तीन होते तो फिर तंग हो जाते। तो अभी दो हैं तो बहुत ही सुकून माहौल है, मज़ा आ रहा है यहाँ पर। तो ये गाँव बहुत हसीन गाँव है, बहुत प्यारा लग रहा है, ओपन घर है यहाँ पर सारे, ये गांव है बागसर। अभी हमने अंकल से पूछा है इस गांव का नाम, बहुत खूबसूरत गांव है बागसर। वैसे ही सारा प्यार है, लेकिन ऐसा गाँव मुझे अभी तक पहले भी नजर आया, ये इतना ग्रीन, और यहाँ पे फसलें भी हैं, काश्तकारी भी है, तो बहुत खूबसूरत घर भी बने हुए हैं, उससे भी अच्छा गाँव है। और भी आगे आएंगे, लेकिन अभी तक मैंने पहले पहला गाँव देखा ऐसा। जी नाजरीन, हमने अभी क्रॉस किया है बागसर, बागसर के बाद एक बहुत प्यारा गाँव है, जो कि मुझे नाम नहीं आता इस गाँव का, लेकिन ये बहुत प्यारा गाँव है। तो इसी गाँव से जा के सामने रोड है, यहाँ से हमने श्रीनगर हाईवे पर चढ़ना है, यहाँ से फिर आगे हम अपनी मंजिल मकसूद की तरफ जाएंगे। तो बहुत प्यारा व्यू है यहाँ पे, अभी हम थोड़ी देर रुके हैं, जो कि बाइक का सफ़र है, बंदा थक जाता है करते करते। ये इस रास्ते से हम आए हैं, अभी इस रास्ते पे बागसर था, तो इससे हम आगे जा रहे हैं अभी। तो आज की ये अपडेट है अभी तक की, हम इस गाँव से गुजर रहे हैं, बहुत हसीन गाँव है, फिट मज़ा आ रहा है। कॉलेज क्या सीन है नाजरीन, अब हम जा रहे हैं श्रीनगर हाईवे के ऊपर। शोर बहुत है, रोड बहुत साफ सुथरा है, और मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, महसूस हो रहा है कि हम अच्छे रोड पे जा रहे हैं। काफ़ी टाइम के बाद अच्छा रोड मिला है, और यहाँ से चकोटी 25 किलोमीटर है जो कि हमने जाना है, और इसे हाल वो हटिया वाला 6 किलोमीटर है यहाँ से, वही जो मतलब मेरे दोस्त ने भी हटिया वाला आना है, तो इधर ही आएगा वो। अच्छा, तो ये है सीन, ये ऊपर जो है कच्चे घर बने हुए हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं यहाँ से।
सामने के व्यूज अनबिलीवेबल जी नाजरीन, आज हमने सिरी ढूंढ लिया है, जो कि आईफोन की वाली सिरी होती है ना, ये वो वाली सिरी है। है सिरी, ये वाली सिरी है, सिरी वाली। जी नाजरीन, मेरी कैप गिर गई थी, अब हम उठाने आए हुए हैं कैप को। जी नाजरीन, अब हम पहुंच चुके हैं हटिया अम्बाला, और जो कोठी यहाँ से तकरीबन अभी 20 किलोमीटर का फासला है यहाँ से, क्या इससे भी ज़्यादा। ये है जी हटिया अम्बाला का स्टेडियम, दूर करवाते हैं हटिया अम्बाला का। ये चुनारी बाजार का सीन।